बच गए भाई, बच गए। कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा है भाई। ओहो, रास्ते में से मोर ने क्रॉस किया, क्या बात है। व्हाट अ लकी डे आया मैन। और मैं अभी कैमरा टर्न करके बताता हूँ क्या मैजेस्टिक व्यू है यहाँ पे टेंपल का। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंडर माही। एंड आज भी मैं एक शॉर्ट राइड के लिए निकला हूँ सावली की तरफ, और जो हमारा डेस्टिनेशन वो है कल्तेश्वर महादेव का टेम्पल। आज जल्दी में निकल गया था तो अभी 6 बज रहे हैं एग्जैक्ट। एंड आज मैंने टॉप बॉक्स वगैरह भी लगा दिया है कि उस पर सामान अच्छे से आ जाता है, और अगर मैं टेंपल के अंदर जाऊंगा तो फिर सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना राइडिंग जैकेट भी वहां पे आराम से मैं रख सकता हूं। बाय द वे, मेरे राइट हैंड साइड में अमेजिंग सनराइज हो रखी है, सूरज देवता पूरे के पूरे दिख रहे हैं। ये है NH 48, और यहाँ से मुझे गोल्डन जो चौकड़ी है उससे एक चौकड़ी आगे जाना है। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, राइड नहीं लग रहे थे, सोचा अभी शॉर्ट राइड से स्टार्ट करते हैं एंड करेंगे। इस मंथ में मैंने सोचा है कि एंडिंग में कहीं पे थोड़ा हम लॉन्ग राइड पे जाए, 3-4 दिन के अच्छे से अच्छा खासा राइड लगाएंगे। लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। एंड घर से निकलने से पहले मैंने ट्रिप को ज़ीरो कर दिया था ताकि पता चले कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। नई नई ट्रक जा रही है, पीछे कुछ भी नहीं है। इवन आगे मिरर है, ड्राइवर सीट पे कांच लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ साला फिर विंड ब्लास्ट कैसे रुक रहा है। तो यहाँ से हमने ले लिया है राइट, अहमदाबाद की तरफ नहीं जाना है। ओ, बच गए भाई, बच गए। हमको नीचे से लेफ्ट होते हुए निकल जाना है, सॉरी नीचे से हमें राइट साइड कट लेना है, वहां से निकल जाना है। बट दैट वाज अ क्लोज एनकाउंटर यार, पता नहीं कैमरे में दिखा कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वो मिरर टाइप लगाना चाहिए जहाँ पे वो एंगल चेंज करके दिखाते हैं। वो रास्ते खराब आ गए, कोई इशू है नहीं भाई। रस्ते में बहुत सारे झाड़ गिरे हुए यार, पीछे दो थे, ये थर्ड है। तो मतलब काटा हुआ या टूट गया है, आई डोंट नो। लग तो नहीं रहा है कि काटा या टूटा ही हुआ है वहां से। बड़े बड़े झाड़ गिरे हुए हैं भाई यहाँ पे, ये रास्ते में तीसरा झाड़ है जो गिरा हुआ है, और सबसे बड़ा अभी तक का यही है। देखो यहाँ पे भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक गिरा हुआ है, यहाँ से किसी ने हटाया हुआ है। मैं आंधी तूफान आई थी क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे भी झाड़ गिरा हुआ है राइट हैंड साइड पे। ये साइड रोड बन रहा है राइट हैंड साइड, इसके लिए वो बंद है, और सारी गाड़ियाँ एक ही लेन से आ रही है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी लाइन है। तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक होगा। ओहो भैया, ऐसे टर्न नहीं लेते हैं भाई, पीछे रहना बहुत डेंजरस इन लोगों का, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा भाई। चलो जब तक सीधा रास्ता है इसे ओवरटेक कर लेते हैं यार, बाइक के पीछे चलाना बहुत ज्यादा रिस्की है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सांवली। अब यहां से लेफ्ट लेते हुए हमें सीधा जाना है, और हम अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम सांवली जो कॉलेज है वहां पर पहुंच जाएंगे। हमें वहां जाना नहीं है, सो हमने यहां से लेफ्ट ले लिया है। अब लेफ्ट होते हुए टिम्बा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी को ये रास्ता याद ना आ रहा तो मैं जस्ट बता दूं कि ये रास्ता वही है जहाँ से हम रसलपुर कनेक्ट करते हैं। सो जो रसलपुर जाते हैं योड़ादुरा के लोकलाइट से, उनको तो आइडिया होगा ही। सो ये वही रास्ता है, और यही रास्ता आगे जाके गलतेश्वर महादेव तक भी पहुँचता है। तो अगर किसी को जाना हो तो सेम रूट ही फॉलो करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो पता चलेगा आपको कहाँ से जाना है। वैसे दो रास्ते हैं, अगर स्ट्रेट जाते हैं कि एक लॉन्ग कट है और बहुत लंबा रास्ता है बेसिकली, और दूसरा है एक शॉर्टकट है जो गांव के बीच से होते हुए जाता है। तो बेसिकली हम शॉर्टकट लेके जाएंगे। प्रीवियसली जब मैं सोलो आया था तो मैंने लॉन्ग वाला रूट ले लिया था गलती से, और अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं कि 25-30 किलोमीटर मेरा अच्छा खासा चला गया था उसमें। तो हम इतना जाएंगे नहीं, इस बार ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें मार्क करके रखा कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है। सो वो जो विलेज आएगा वहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे, और मैं ये वीडियो में बताऊंगा भी कि हमको कहाँ से लेफ्ट लेना है। और बताओ भाई लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अगर यहाँ तक देख लिया है ना तो फटाफट जो सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट कर लो यार। कुछ भी करो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में, मेरी हेल्प करो। तो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूं। एंड लंबी लंबी राइड्स पता है बहुत टाइम से की नहीं है मैंने कोई भी लॉन्ग राइड, बट फ्यूचर में बहुत अच्छे से प्लानिंग्स है करने के लिए। तो बस मुझे वो प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने के लिए थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, जो आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दे के कर सकते हो। तो यहाँ से जो ट्रक निकला है ना मेसरी नदी नो पुल के ऊपर से, कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा है भाई। तक खराब रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा है। सैडलिंग ही कर रहा हूं मैं भाई। ओहो, रास्ते में से मोर ने क्रॉस किया, क्या बात है, व्हाट अ लकी डे आया मैन। बढ़िया है, कैप्चर हो गया। ओके ये रहा, मिल गया। दिस इज द वन, इनको यहां से लेफ्ट लेना है। चलो भाई, आई थॉट कि मैं उसको पास आउट करके आगे निकल चुका हूँ, बट चलो भाई रास्ता याद रह गया, दैट इज वे टू गुड। ध्यान देना पड़ेगा गांव वाले रास्ते में आ गए, स्लो चलाना है, कहीं पे भी कैटल्स हो सकते हैं और स्क्वायर्स वगैरह तो होते हैं यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। सो भाई करेंटली हम पहुंच चुके हैं गलतेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ। सो ये ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ ही राइट हैंड साइड में मंदिर आ जाएगा, और पार्किंग जो भी एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड है। जब व्यू देखो यार, ये जो दिख रहा है ये पूरा माही सागर है, और बेसिकली ये रिवर का नाम है माही, और इसे लोकली माही सागर ही बोलते हैं। तो यहाँ से लेके पूरा बहुत सही दिख रहा है यार। और अभी
बारिश हुई नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो पानी का लेवल दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट पिछली बार अंदर बाइक रखने अलाउड नहीं था, बट आई गेस दिस टाइम हम बाइक अंदर लेके जा सकते हैं क्या? हाँ लग तो रहा है सर, हाँ लेके जा सकते हैं। कहीं पे अच्छी जगह पे रख दे। सो दोस्तों जस्ट मैं अभी गलदेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गया हूं, और ये रहा मेरे पीछे मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ से अभी हम चलते हुए वहाँ पे जाएंगे। सो बेसिकली मेरे को बाहरी पार्किंग की जगह अच्छे से मिल गई थी, बाइक वहाँ पे मैंने पार्क कर दिया, और यहाँ पे अभी सब गियर्स वगैरह सब मैंने बाइक अपने टॉप बॉक्स में रख दिया है। अब यहाँ से दर्शन वगैरह करते हैं और आसपास का मैं आप लोगों को लोकेशन बता। आई गेस बहुत सही टाइम पे आया हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग है और टाइम हो रहा है अभी 8 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी होगा, एंड यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है और अकेला हूँ मैं पूरे मंदिर में बेसिकली। सो मैं अच्छे से मैं बता भी पाऊँगा, कोई शूट वगैरह करना है मुझे, कोई एंगल लेना है या शॉट्स लेने हैं वो मैं इजीली ले सकता हूँ, और मैं अभी कैमरा टर्न करके बताता हूँ क्या मैजेस्टिक व्यू है यहाँ पे टेम्पल का। सो दिस इज़ अ टेम्पल, दिस इज़ अ मेन स्ट्रक्चर, और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये पीछे साइड है टेम्पल का एंट्रेंस। सो गलदेश्वर मंदिर के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे है, हिंदी गुजराती एंड लास्ट पे इंग्लिश में दिया हुआ है, पॉज करके देख लेना। चलिए अभी यहाँ से टेम्पल के अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत काम है ये जगह। सो फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेजी जगह आ सकते हो, बहुत स्पेशियस है। नीचे साइड गार्डन है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा, और पहले मैं आ चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे रिवर में नहाने आ रहे हो तो भी आ सकते हो, यहाँ पे वो भी होता है। सो यहाँ पे बैग वगैरह रख के और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हमारे पीछे ये गलदेश्वर महादेव का मंदिर है और दर्शन हो चुके हैं, बहुत आराम से हो गया, कोई था नहीं अंदर, इजली कोई भीड़ भाड़ नहीं था। यूजुअली बहुत यहाँ पे भीड़ होती है
बट फॉर्चुनेटली आज कोई भीड़ नहीं था और अच्छे से दर्शन पूरा हो गया। और मेरे पीछे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से अच्छा क्लियर व्यू आ रहा था, इसलिए मैंने फिर से ये शॉट लिया है दिखाने के लिए। बहुत सही स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो जो मैंने महिसागर बताया था ये है, और यहाँ पे लोग यूजुअली यहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। तो समर्स में आप इजीली आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। एंड फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे नीचे पार्क है, ये टू साइडेड पूरा है पार्क, और इस साइड भी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फैमिली के साथ तो यहाँ पे इजीली आराम कर सकते हो, रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और बहुत फ्रेश है यहाँ पे क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे ग्रीनरीज है इसकी वजह से। सो यहाँ पे कुछ और शॉट्स लेते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं, और उससे पहले देखते कुछ चाय नाश्ता वगैरह अगर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो, क्योंकि अभी अभी सारे शॉप्स ओपन हो रहे हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर आगे कहीं रास्ते में चेक करते हैं।